अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं एन टी एस प्रिपरेशन विद आई क्यू। जो हमारा ये पाकिस्तान स्टेट का कोर्स चल रहा था 711 से लेकर 2021 से जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो हम डिस्कस कर रहे थे। तो आज हमारा लेक्चर है महमूद गज़नवी। आज हम महमूद गज़नवी को डिस्कस करेंगे। महमूद गज़नवी वाज बॉर्न इन टाउन गज़नी इन 971, ठीक है, तकरीबन 971 एडी में वो जो है ना गज़नी टाउन में वो पैदा हुए थे मोहम्मद गज़नी। सबकतुजिन वाज द फादर ऑफ मोहम्मद गज़नवी, ठीक है। तो ये जो सबकतुजिन है वो मोहम्मद गज़नवी का क्या था, वो वालिद साहब था। और द सेकेंड फेज ऑफ द मुस्लिम एक्सपेंशन बिगेन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ तुर्की मुस्लिम डायनेस्टी, ठीक है। तो पहली जो है ना जब मोहम्मद बिन कासिम आया था उसने ये सिंध वगैरह फतह की थी, तो उसने ज़्यादातर जो है ना मुसलमान यहाँ पर आबाद किए थे। तो ये सेकेंड फेज़ था मुस्लिम का वो यही था, मोहम्मद जो गज़नवी थे उसने ये सेकेंड फेज स्टार्ट किया और जो तुर्किश मुस्लिम डायनेस्टी का जो है ना आगाज़ किया था। बैटल ऑफ द वाई हिंद वन, जिसको हम बैटल ऑफ द पिशावर भी कहते हैं और बैटल ऑफ द वाई हिंद भी कहते हैं, दोनों कहते हैं, वाज फॉट बिटवीन महमूद गज़नवी एंड जियापाला, ठीक है। जो बैटल ऑफ वाई हिंद या बैटल ऑफ जो पिशावर है वो किसके बीच में लड़ी गई थी, वो मोहम्मद गज़नवी एंड जियापाला के बीच में, ठीक है। जियापाला रूल्ड कमिटेड सुसाइड आफ्टर द बैटल ऑफ द मोहम्मद विथ मोहम्मद गज़नवी, ठीक है। जब उसकी जो है ना मोहम्मद गज़नवी से जो है ना जब जंग हुई थी उसके बाद में जो जियापाला था एक रूलर था बादशाह था उसने जो है ना सुसाइड किया था। महमूद गज़नवी इन्वेडेड इंडो पाकिस्तान फॉर 70 times, ठीक है। तो उसने जो है 70 times जो है ना ये इन्वेडेड किया था। मोहम्मद गज़नवी डिस्ट्रॉयड टेम्पल इन इंडिया सोमनाथ टेम्पल व्हिच इज़ लोकेटेड इन गुजरात, ठीक है। तो मोहम्मद जो गज़नवी थे उसने जो इंडिया में एक टेम्पल है, ठीक है, उसको उसका नाम क्या है, सोमनाथ टेम्पल, तो उसने इस पे जाके डिस्ट्रॉय किया था उसको, क्योंकि वो जो है वहाँ पे जो दौलत वगैरह छुपी हुई थी उस पर लूटमार के लिए उसने क्या किया, इस जो सोमनाथ टेम्पल था उसको जो है ना डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड 1026 एडी महमूद गज़नवी डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल, ठीक है। तो ये जो है ना ये जो ईयर्स हैं वो आपको याद रखने के, जो मोहम्मद गज़नवी थे उसने जो सोमनाथ टेम्पल था उसको कब डिस्ट्रॉय किया था, वो तकरीबन जो है ना 1026 एडी में, ठीक है। टू लूट द वेल्थ इनसाइड द टेम्पल, तो उसको पता चला कि चला था कि जो टेम्पल है सोमनाथ टेम्पल उसके जो अंदर है ना वो जो है ना दौलत वगैरह छुपी हुई है। महमूद गज़नवी मेड लाहौर कैपिटल हिज एम्पायर, जब उसकी जो हुकूमत शुरू हुई थी जो उसका कैपिटल था वो लाहौर था, ठीक है, मतलब कि लाहौर उसने कैपिटल बनाया था। लाहौर सिटी वाल असो ने शिमाल गज़नी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ महमूद गज़नवी, और लाहौर को जो है ना शिमाल गज़नी जो है कहा जाता था जब महमूद गज़नवी की वो हुकूमत होती थी वहाँ पर। ड्यूरिंग गज़नवी रूल लाहौर सिटी नोन एज़ द गज़नी सैंड्स इंटेलेक्चुअल एंड इस्लामिक कल्चर, ठीक है। तो इससे जो है ना इसको जाना जाता था। अब गज़नी सिटी दैट बिकम द सिटी ऑफ द मॉस्क, जो गज़नी सिटी था उसको मतलब कि वहाँ पर मॉस्क ज़्यादा होती थी, मदरसास एंड लाइब्रेरीज, मतलब कि जब महमूद गज़नवी की जब हुकूमत थी जब वो हुक्मरान थे। अलबैरूनियन हज़रत दादा गंजबख्श अली हजरवी कैम इंडिया अलॉन्ग विथ महमूद गज़नवी, ठीक है। जो अल बैरूनी हैं जिसको हम ज़्यादातर पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, और हज़रत दादा गंजबख्श अली हजरवी वो भी जो है ना इंडिया आए थे, किसके साथ आए थे, वो महमूद गज़नवी के साथ आए थे, ठीक है। द एबडक्टर ऑफ स्कॉलर वॉज नोन एज मोहम्मद गज़नवी, मोहम्मद गज़नवी को जो है ना एबडक्टर ऑफ द स्कॉलर भी कहा जाता था। शाहमाना ए फैशन बुक वॉज रिटन बाई द फिरदौसी, ठीक है, ये भी ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आता है, जो फिरदौसी था उसने कौन सा जो है बुक लिखा था पर्शियन का। फिरदौसी वाज लॉयर ऑफ द महमूद गज़नवी, जो फिरदौसी था वो जो है ना लॉयर था, उसकी जो हवेली होती थी जो बादशाहत होती थी उसका जो है ये क्या था, लॉयर था। महमूद गज़नवी डाइड इन 1030 एडी ड्यू टू मलेरिया, ठीक है। जो महमूद गज़नवी थे तकरीबन 1030 एडी में वो मतलब कि वफात पा गए थे, क्योंकि उसको मलेरिया हो गई थी उस वजह से जो है वो वफात पा गए थे। ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर था।
अगर आपको जो हमारे लेक्चर हैं वो पसंद आ रहे हैं तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे।